दिल के दर्दिया के दवाइयों ना भेटाता, छन छन आई हो दादा जान अब जाता। दिल के दर्दिया के दवाइयों ना भेटाता, छन छन आई हो दादा जान अब जाता। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ तार दिलों में बजते हैं। कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ तार दिलों में बजते हैं। जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, हो जब तुम आ जाते हो सामने। अरे उठवा तोहार जैसे भोरे के किरनिया, अखिया में प्यार के समय बा दुनिया। बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बड़े, बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बड़े। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। किसी के बाप के नहीं अयोध्या राम लला का धाम है। और किसी के बाप के नहीं अयोध्या राम लला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीजी न्यूज। मैं प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्क्रीन पर आप, अपने स्क्रीन पर आप जिसे देख रहे हैं ये किसी परिचय से मोहताज नहीं है। बगल में अगर बात किया जाए तो ये मनोज आर पांडे जी हैं, भोजपुरी के एक बड़े चेहरे, और ये इनके दो शिष्य हैं। दोनों शिष्यों के बारे में आपको दिखाएंगे। और आज ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये वाले दो साल में भोजपुरी के बड़े स्टार बैठे हुए हैं। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, आप आवाज़ सुनेंगे ना, कहेंगे वाह वाह क्या पीजी न्यूज़ पर इंटरव्यू आया है। बता दें कि वो तमाम बड़े भोजपुरी के सिंगर जो अपने आप को तमाम प्रकार के स्टार लगाते हैं कि मैं फलनवा स्टार हूँ, मैं ट्रेंडिंग स्टार हूँ, मैं ढिकनवा स्टार हूँ, लेकिन सब लोगों की आवाज़ से अगर ऑटो ट्यून हटा दिया जाए ना, वो फटाहा बांस है दोस्तों। और मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि यही सत्य है। अगर ना माने तो आप किसी से लाइव स्टेज शो गवा लीजिए और ये जो मैं बोल रहा हूँ यही आप देखने को पाएंगे। लेकिन जब इन ये गौरव जी हैं, ये बिहार की धरती से हैं, जब इनकी आवाज़ आप सुनेंगे ना तो कहेंगे वाह वाह क्या बात है। और अगर इनकी तैयारियों की बात किया जाए तो ये यूपी के हमारे हिसाब से गोंडा जिला है ना, कौन सा गोंडा, बेसिकली अवधवासी। जी जी जी, अवधवासी। ये हमारे साथ अवधवासी मनोज आर भैया जी हैं। अगर इनके हम परिचय की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम मनोज आर पांडे कहा जाए, और आर आर पांडे, राजकुमार आर आर पांडे के ये भाई साहब हैं, और चिंटू पांडे इनके भतीजे जी हैं। तो आइए अब हम ना लेट करते हुए हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया का इंटरव्यू पहले वीडियो में आप देख चुके हैं, ये सेकंड पार्ट आ रहा है। बहुत बहुत स्वागत है गौरव जी आपको। थैंक यू सर। ये सवाल है कि सबसे पहली मुलाकात आपसे भैया से कौन करवाया था? सबसे पहली मुलाकात भैया से गोविंद भैया करवाए थे, जो कि मेरे अच्छे भाई हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, सब कुछ हैं। आप अपना परिचय एक मिनट में दर्शकों से। मेरा नाम गौरव वर्मा हुआ, मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरा ज़िला नवादा हुआ,
नवादा में एक प्रखंड है वारिस अलीगंज, वहाँ का रहने वाला हूँ। अच्छा। गौरव जी भैया यूपी से हैं, इतना लगाव आपको इनसे क्यों हो गया? क्योंकि आज तक इनके जैसा इंसान हम कभी देखे नहीं, इंसान बोल लीजिए या फिर मेरे माँ बाप के बाद अगर कोई हैं तो मेरे भैया हैं, मनोज आर भैया। हाँ, मनोज भैया, मनोज आर पांडे भैया। अगर इनके लिए एक मधुर गाना सुनाना पड़े और हमारे दर्शकों के लिए एक सुंदर अपनी आवाज़ में आप अपनी पहचान बताना चाहें तो वो कौन सा गाना गाएंगे? वो कोई भी गा सकते हैं। क्या बात है, होना चाहिए, एक लाइन हो जाए। देखिए, मैंने इनकी पहचान बताया और इनके बारे में मैं दावे के साथ बोला कि दो साल, आने वाले दो साल में ये भोजपुरी के बड़ा चेहरा बनेंगे, वो भी आवाज़ के मामले में। और वो आवाज़ क्या है, अब आप लाइव सुनिए। दिल के दर्दिया के दवाइयों ना भेटाता, छन छन आई हो दादा जन अब जाता। दिल के दर्दिया के दवाइयों ना भेटाता, छन छन आई हो दादा जन अब जाता। मोहब्बत बेचाता है बाजार में, केहू पियेला जहरिया के करो प्यार में। मोहब्बत बेचाता है बाजार में, केहू पियेला जहरिया के करो प्यार में। अच्छा, आगे हम सवाल के अगर शुरुआत करी गौरव जी, तो आप कहीं सीखते उखते हैं कि ये नेचुरल है? नहीं, अभी मैं 6 महीना से सीख रहा हूँ, उसमें भी मतलब 2-3 महीना भी क्लास किया है, बाकी सब अपने से मेहनत किया और भैया का जैसा जैसा बताए। हाँ, अभी तक कितने एल्बम मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं? अभी तक कोई भी एल्बम नहीं किया हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस। आजकल के लोग ऐसे भी सिंगर हैं कि बिना सीखे हुए भी गाते हैं, तो मेरा कहना है कि नहीं, पहले अच्छे से सीख लूँ, उसके बाद कुछ गाना और होना चाहिए। आप सिंगर हैं और दर्शक लगातार आपको सुनना चाहते हैं, एक गाने और होना चाहिए। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का, नजरिए के ऊपर पता होई मोहब्बत चीज का, बीच में नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। कि नींद आया बे नयखिया में, कि नींद आया बे नयखिया में, कि दिल से दिल जुदा होला। नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला, नजरिए के पता होई मोहब्बत चीज का होला। कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ तार दिलों में बजते हैं, कुछ गीत लबों पे सजते हैं, कुछ तार दिलों में बजते हैं, जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने, हो जब तुम आ जाते हो सामने, जब तुम आ जाते हो सामने। क्या बात है, उन सिंगरों के लिए ये एक सबक है। आपको बता दें कि जो अपने घर से ना गेहूं चावल बेचकर एल्बम करने चले आते हैं, आवाज़ जो है ना, कोई भी एक बार सुनेगा ना, इनके पीछे पैसे लगाने के लिए तैयार हो जाएगा, मतलब इनका प्रोड्यूसर बन जाएगा। लेकिन अभी आज तक कोई भी एल्बम मार्केट में
नहीं है, तो आप समझ सकते हैं कि इनको क्या बनाने की कोशिश की जा रही है और क्या बनाया जा रहा है। इसके इसके पीछे अगर बताया जाए ना, तो वो बहुत बड़ा रीजन है। और हालांकि हम जानने की कोशिश करेंगे और कोई ऐसा गाना जो दिल के बेहद करीब हो और लोगों के दिलों पर चोट मारता। देखो मैं एक चीज़ कहूँगा कि भोजपुरी में सब कहते हैं ये सिंगर हैं वो सिंगर हैं। एक बार बीच में किसी ने कहा था कि पवन सिंह अच्छा गाते हैं, पवन को तो मैं अच्छे से जानता भी हूँ, तो बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा कि ऑटो ट्यून पे अगर कोई गाए तो उसको सिंगर कहोगे? ठीक है, ऑटो ट्यून पे गाना, ऑटो ट्यून पे गाना छोड़ दे, मैं कह दूँगा बहुत अच्छा सिंगर है। ऐसे अगर ऑटो ट्यून लगा के गाना है तो मेरा गौरव बहुत अच्छा गाता है। ये गाना है पवन का, वो गाना गा दे बेटा, वो भगवान बड़ी फुर्सत से गा दे, तेरा ऑन स्टाइल से एकदम नेचुरल वॉइस। हर जैसे भोर के किरनिया अखिया में प्यार के समय दुनिया, बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बड़े, बिंदिया बुझाला ऐसे जैसे चांद सजौले बड़े, भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े, हाय भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा के बनौले बड़े। क्या बात है, क्या बात है। आपको बता दें कि वो शब्द नहीं है किस किस शब्दों से भैया का धन्यवाद करें, और गौरव जी की आवाज़ आप सुन ही रहे हैं। बहुत सारे लोग एक दूसरे के सपोर्ट की जगह अगर कहा जाए तो वो टांग खींचने का कार्य करते हैं, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज आर पांडे जी हैं, ये अगर आपको हम बताएं तो ये हाथ पकड़कर लोगों को लेके चलना सिखाते हैं। बहुत मज़ा आती है। और आपको बता दें कि यह कार्य करने में भैया को बता रहे हैं बहुत मज़ा आता है। शायद अगर इनके अंदर भी ये होता कि हम यूपी से हैं और ये बिहार से हैं, ये बिहार और यूपी के लिए दोनों लोगों को सीखना है कि भैया यूपी से हैं और ये बिहार से हैं, लेकिन शायद इन्हें जो चीज़ बनाना चाहते हैं ना, दो साल में इनका इतिहास लिखा जाएगा और उस इतिहास के पन्ने पर नाम लिखाने का अगर किसी का हक होगा तो वो भैया का होगा। ये मैं बड़े दावे के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे वो चीज़ें दिखाई दे रही है, वो चीज़ें झलक रही है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और आप लोग ये देखने को बहुत जल्दी, हो सकता है कि मैं दो साल बहुत लंबा बता रहा हूँ, जल्दी भी हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि हर इंसान को चाहिए कि वो पूरा पूरी तरह जब परिपक्व हो जाए, तैयार हो जाए, फसल पक जाती है तो मज़ा आता है। अधूरी बात, अधूरा ज्ञान, अधूरा जहर, अधूरा एक्सीडेंट, ये सब खराबी होता है। तो मैं नहीं चाहता मेरा बच्चा कभी आए और इसमें लोग त्रुटियां निकालें। मैं चाहता हूं जब ये गाए ना तो लोग कहें भैया एक और गा दो ना। अरे जैसे ये मुझे भैया कहते हैं ना, मुझे खुशी तब होगी जब लोग इसको भैया कहेंगे। और रही बात यूपी बिहार की, तो मैं बता दूं मेरे पास एट अ टाइम फिलहाल 9 से 10 का स्टाफ है और सारा स्टाफ बिहार का ही है। तब बताइए ये भी अच्छा, क्या यूपी वालों पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा बहुत है, बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद यूपी से हूँ, पर पता नहीं क्या है कि समझ में, देखिए जब मैं स्टाफ आपको बिहारी, बिहार लोग कहते थे कि लोग शायद मतभेद लोगों में पैदा करते थे कि हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं, और मुझे सारे बिहारी प्यार करते हैं, तो कम से कम मेरे जुड़ने से अगर सारे जुड़ जाएंगे तो मुझे लगता है मैं बहुत बढ़िया काम कर रहा हूँ। आप दो राज्यों को जोड़ रहे हैं और कहीं कहीं ये बहुत बड़ी बात है भैया। हम चाहेंगे जाते जवाते मैं एंडिंग की तरफ एक गाने और, हाँ क्या बात है, नेचुरल ना। और खोइला के बाद हमके रहबू हाथ मलते रे, रहबू हाथ मलते रे, मरा तानी आज हम पगली तोहरा चलते रे, मरा तानी आज हम पगली तोहरा चलते रे, पूरा नहीं कैला हमर एक भी सपना, रह गेला धूरा हमर दिल के आरमानावा। अब भला बुरा कहे लोगवा
घर से निकलते रे भला बुरा कहे लोगवा, घर से निकलते रे मरा तनिया आज हम पगली तोहरा चलते रे, मरा तनिया आज हम पगली तोहरा चलते रे। मेरी जिंदगी में रात तुम्हें भूल पाना मुमकिन नहीं है, तुम्हें भूल पाना मुमकिन नहीं, मेरी जिंदगी में रात है अब कोई दिन नहीं, तुम्हें भूल पाना मुमकिन नहीं है, तुम्हें भूल पाना मुमकिन नहीं, मेरी जिंदगी में रात है अब कोई दिन नहीं, मेरी जिंदगी में रात है अब कोई दिन नहीं। ये देख सकते हैं यही प्रेम है। और अगर आपको बता दें कि अपने लाइफ में गौरव जी कुछ भी करते हैं तो इनका नाम गौरव है, और गौरव का अर्थ आप समझते हैं कि गौरव का अर्थ क्या होता है। गौरव का अर्थ ये होता है कि अपने कुल का नाम ये गौरव करें, और अपने परिवार का नाम गौरव करें, और अपने बिहार का नाम गौरव करें, बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम गौरव करें। इनको मैं पूरे देश से जोड़ रहा हूँ। और इनके बगल में जो ये आपको बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं ना, गोविंद जी ना, ये देखिए इनका नाम जो गोविंद है ये भगवान का नाम है, गुरु हाँ, भगवान साक्षात इनके साथ में, इनके साथ में है, गौरव जी के साथ में। गौरव और गोविंद शायद दोनों लोगों की राशि फल एक है। हाँ, जय वीरों की जोड़ी कहा जाए, धर्मवीर की जोड़ी कहा जाए, भैया कह रहे हैं। तो गौरव जी का भी गोविंद जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो शायद ये गोविंद जी आपको एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे ले जाने के लिए मिले हुए हैं, तो इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। एक बार अपना अपना परिचय दे दीजिए दर्शकों से। सभी को नमस्ते प्रणाम, मेरा नाम है गोविंद आर पांडे। आज जो भी हैं बड़े भैया मनोज भैया के हैं, हम भी आए थे, बहुत मूवी का शौक था तो टीवी में देखते थे, तो लगता था हम भी कब टीवी में देखे, उत्साह बहुत था। तो हम एक कभी कभी लिंक बनाकर मूवी में आए, पैसा देकर ये काम करने के लिए आए थे। तो पहला डायलॉग था तो उसमें हम लड़खड़ा जाते हैं, तो भैया हमको गला लगाते हैं, बोलते तुम अपना बड़ा भाई को मानता है ना, तो बोलो तो हम भी तुम्हारा बड़ा भाई है, अब पीठ होके तुम डायलॉग बोलो। वो दिन डायलॉग बोले, पहली बार दे दिए खुश होकर। हाँ, जब गला लगाए तो हमको लगता है ना कुछ ताकत आ गया। तो फिर उस दिन से हम डायलॉग किए, वो हो गया सीन। तो सांझ को हम छत पर खड़ा थे, तो भैया वहाँ पर गाना सुन रहे थे नीचे होटल के नीचे, तो बुलाते हैं गोविंद आओ। तो हम लोग आते हैं वहाँ से, भैया के ढेर सारा इतना प्यार दिए, जो अपना भाई जैसे हमारे बड़े भैया मानते हैं उस तरह मानने लगे। तो प्यार हम दोनों का बहुत ज़्यादा हो गया। फिर बोले मुंबई आओ गोविंद, तो हम पहले मुंबई आते थे इसलिए नहीं, पहले हल्ला सुनते थे ना गांव में, बोलता था जो शूटिंग के बहाने बदलाता है, किटनी कुटनी निकाल के बेच देता है, तो उस डर से हम नहीं जाते थे। तो एक दो बार क्या हुआ है, बहुत हिम्मत जुटाए भैया हमको बहुत मानते, जाना चाहिए। तो एक बार मुंबई गए हम गौरव के भी साथ था, तो कहे लेके गए ताकि दो दो लोगों की किडनी निकाला जाए। ना अकेले नहीं जाते हैं, अभी भी हम अकेले कहीं जाते हैं, तो कहीं गौरव चलो भैया बुलाएं चलते हैं। तो मुंबई हाँ डर था, तो डर हम पहली बार मुंबई गए, वहाँ पर इतना प्यार मिला भैया के, वहाँ पर बुलाएं पिस्टल पांडे भैया काम भी कराएं, अब बहुत मानते थे, मैंने समझिए एक जैसे बाप अपना बेटा को मानता है या अपना बड़ा भाई छोटा भाई को मानता है, हंस जाते दुलार दिए। तुम लोग स्टार बनने के बाद बदलोगे तो नहीं? ये तो कोई किताब ही में लिखा हुआ है, मर जाएंगे या गर्दन भी काट जाएंगे, कभी नहीं बदलेंगे, कभी नहीं। ताकत कोई नहीं झुका सकता है, क्यों ना कोई गर्दन काट दे या बोल दे नाम ही तो भूल जा, तो ये हो नहीं सकता। दुनिया की ताकत कोई पैदा ही नहीं लिया है जो नाम ही भुतला दे। जब जब स्टार का लेवलवा बनता है ना, इनसे कई गुना लोग प्यार करने वाले और पैसा देने वाले मिलते हैं। भाई को नाम कभी कोई नहीं बोलता है, हम जैसे सब होता है भाई, भाई में सब नहीं या आप वीडियो से नहीं होता है, दिल में जगह रहना चाहिए। वीडियो में तो मीडिया तक कोई भी कुछ बोल देता है,
दिल में जो बैठाता है वही सच रहता है। क्या होता है के अंदर वो प्यार और वो ललक और वो झलक सारी चीजें दिखाई दे रही है। एक्चुअली क्या होता है भैया, जो भी ऐसा करते हैं कि मतलब एक अच्छे मुकाम पे जाके भूल जाते हैं, तो उनको ऐसा परिवेश मिला हुआ होता है, उनको ऐसा संस्कार मिला हुआ होता है। लेकिन हम जहाँ पे रह रहे हैं और जिनके साथ साथ रह रहे हैं, वो कभी ऐसा संस्कार नहीं देते हम लोग को। इसी और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करने के लिए। खास करके आशीर्वाद स्वरूप अपने शिष्यों को दो शब्दों में क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, मैं राम जी का परम भक्त हूँ। हाँ, मैं चाहता हूँ गौरव एक गाना गा दो। मैं एक लाइन होना जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। भारत के नायक हर घर में बाद में किसी के बाप नहीं है। अरे किसी के बाप के नहीं अयोध्या राम लला का धाम है, अरे किसी के बाप के नहीं अयोध्या राम लला का धाम है। भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है, भारत के नायक रघुनायक कौशल्या नंदन राम है। अरे हर घर में अब एक ही नाम एक ही नारा गूंजेगा, जय श्री राम भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा भारत का बच्चा बच्चा, जय जय श्री राम बोलेगा। क्या बात है मित्रों, आपको बता दें कि इंटरव्यू करते हुए ना आपको बता दें कि शरीर में वो भी इंद्रियां जाग गई जो सो रहे थे। और आपको बता दें कि बस इतना आप लोगों से निवेदन है कि इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए, गौरव जी को इस इंटरव्यू से एक पहचान मिल पाए, बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में। और अब कुछ नहीं कह सकता हूँ, हालांकि फिर से आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, इसी प्रकार से वो भी एक वायरल खबर ही होगी। छोटी सी बात कहना चाहूँगा जी, होना चाहिए। मेरी छोटी सी बात ये है कि कोई भी हो उसको डोमिनेट मत करिए, उसका सपोर्ट अगर नहीं कर सकते हैं तो डोमिनेट मत करिए, और जितना हो सके उसका सपोर्ट करिए। ये बच्चे ना हमारे देश के भविष्य हैं, अगर हम इन्हें कुछ अच्छा नहीं दे सकते तो इन्हें कुछ गलत कभी ना देना। वो वाली लाइन होना चाहिए, बहुत अच्छा आपके मुंह से लगता है कि किसी को जब कोई नीचा गिराता है या धक्का मारता है तो वो कहाँ जाता है? देखो देखो, सपोज टू गौरव आगे है ना, गौरव आगे है और अगर कोई आगे उसको अगर आप जब खींचते हो तो आपको पीछे रह के ही आप खींचोगे, तब वो पीछे आएगा। तो जब आप उसको खींच के पीछे लाते हो तो सबसे पहले आप पीछे जाते हो। जी जी, क्या? तो उससे अच्छा है ना उसको ढकेलो। जब आप किसी को ढकेल के आगे चल बाहर निकल, तो आप उसके साथ जब ढकेलोगे तो आप भी आगे जाओगे। अरे किसी को कह दो चल तू सांसद बन, तो MLA तो बन ही जाओगे। तो ठीक है, तो ये मनोज आर पांडे जी हैं जिनके बारे में परिचय बताना ये हमारे बस की नहीं है, इन्हें सब लोग जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं। और दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में और एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।